नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। आज हम आपसे बात करेंगे कि किस तरीके से मार्च के महीने में सभी लोग, चाहे वो बिल्डर हो, एक्सपर्ट हो या हर कोई, ये कह रहा था कि अप्रैल से घरों की बिक्री में गिरावट आ सकती है। उनका कहना था कि जो स्टैम्प ड्यूटी में सेस बढ़ रहा है 1% का वो, और साथ ही साथ रेडी रखने रेट्स में जो इजाफा हो रहे हैं, और इसी के साथ साथ बहुत सारे बिल्डरों का ये भी कहना था कि जिस तरीके से रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ेंगे तो घरों की कीमतें बढ़ेंगी, और इन सब चीज़ों से घरों की कीमतों में इजाफा होगा और घरों की बिक्री में गिरावट आ जाएगी। पर मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि इसके विपरीत हुआ है। यानी ज्यादा घर बिके हैं मुंबई में आने वाले, यानी अप्रैल जो ये महीना है जो चल रहा है, अगर हम इसके केवल 10 या 11 दिन के आंकड़े पकड़े तो भी। मैं इस कहानी को विस्तार में आपसे बात करूं इस पर, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि squarefeetindia.com ये एक रियल एस्टेट न्यूज वेबसाइट है और ये स्क्वायर फीट इंडिया का यूट्यूब चैनल है। हम हमारे वेबसाइट और चैनल के जरिए आप तक रियल एस्टेट जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप हमारे चैनल पे और भी अन्य रियल एस्टेट जगत से जुड़ी हुई विविध वीडियोस हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। आप उन वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर विजिट भी कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि क्या घरों की खरीदी में गिरावट आई है जिस तरीके से हर कोई कह रहा था। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दरअसल अप्रैल के 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन जो अभी बीते हैं उनमें मुंबई शहर में 4,725 से ज़्यादा घर अब तक बिक चुके हैं, सेल्स रजिस्टर हो चुके हैं, जिससे 258 करोड़ रुपये सरकार को मिल चुका है। आम तौर पर जब हमने देखा कि पिछले फिनेंशियल ईयर में 8,000-9,000 इससे ज़्यादा घर बहुत कम रजिस्टर हुए हैं, केवल 2 महीने या 3 महीने ऐसे थे जब 10,000 के ऊपर घर गए। जैसे उदाहरण तौर पर मार्च का महीना था, मार्च 2022, जब 16,726 घर की सेल रजिस्ट्रेशन हुई जिससे सरकार को 1,160 करोड़ रुपये मिले। अगर मैं अप्रैल के 10 या 11 दिन की ही बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि उसमें 4,725 11वें दिन के इस समय तक रजिस्ट्रेशन हुए हैं जिससे 258 करोड़ रुपए आ गए हैं, यानी 10 दिन में 4,000 का आंकड़ा पार हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये महीने के अंत तक भी 10,000 का आंकड़ा पार हो ही जाएगा, और फरवरी में हम बात करें तो 10,379 घरों के रजिस्ट्रेशन हुए थे। उसके अलावा 10,000 घरों का जो रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हुआ था वो अप्रैल 2021 में हुआ था, जब 10,135 घरों के रजिस्ट्रेशन हुए थे पिछले साल। और उसके बाद गिरावट थी क्योंकि कोविड का दूसरा वेव आ चुका था, जिससे के वजह से मई में 5,360 ही घर रजिस्टर हुए थे 2021 में। उसके बाद ये आंकड़ा बढ़ने लगा, आते आते जुलाई जब आया तो 9,800 घरों की रजिस्ट्रेशन हुई थी। फिर उसके बाद में अक्टूबर में 8,000 घरों की रजिस्ट्रेशन हुई थी, दिसंबर में 9,000 घरों से भी ज़्यादा घर सेल हुए थे, और दिसंबर के महीने में 758 करोड़ रुपए की स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन से पैसा सरकार को मिले थे। तो अगर मैं बात करूं अप्रैल 2022 की, जब लोगों ने, हर किसी ने अनुमान लगा लिया था कि रियल एस्टेट में मार्केट में कम हो जाएगा, सेल कम हो जाएगा, तो हम आंकड़े के बिना पे कह रहे हैं कि शायद ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि आंकड़े जो हैं वो कहते हैं कि अब तक 4,700 से ज़्यादा घर के सेल की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और जिससे सरकार को 258 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यदि आपको किसी भी तरीके से रियल एस्टेट में ये जानने की इच्छा है कि कितना अच्छा चल रहा है या कितना बुरा चल रहा है रियल एस्टेट, तो आप सेल्स के आंकड़ों से ही जान सकते हैं। और सेल का आंकड़ा आपके सामने है जो कहता है कि अप्रैल के 10 से 11 दिनों में 4,000 से भी ज़्यादा घर बिक चुके हैं, सेल रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो आने वाले दिनों में भी ये अच्छा ही होगा। तो रियल एस्टेट के लिए अच्छी खबर कि घर को के रजिस्ट्रेशन और सेल रजिस्ट्रेशन में कोई गिरावट तो नज़र नहीं आई है। ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, इसकी हम इच्छा रखते हैं, और आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए आपका धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।